मचले कवारियों का दिल मचले दिल मेरी ये तो कल मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया मतलब यहाँ पे मैं अब शुरू करता हूँ। तो खैर हम अपने रिजॉर्ट के अंदर हैं अभी और कल जब मैं इतना बुरा थका हुआ था क्योंकि मुझसे गाड़ी का जो ट्रैवल होता है वो होता नहीं है बहुत बुरा मतलब सर घूमने लगता है तो उसके बाद मैंने खुद को रिकॉर्ड करना पसंद किया नहीं। तो खैर ये था अपना रूम, मैं इसको दिखाता हूँ बाहर से पहले तो है ये है कुछ ऐसा सब प्लेस है ये बुरा बुरा सुंदर सा जगह जगह पे इस तरह के रूम्स वगैरह बने हुए हैं। तो ये है अपना टट ये यहाँ पे बैठने बैठने का हमने चाय बैठकर पी अभी और बैड पूरा मैस कर दिया मैंने। टीवी मैंने चलाया नहीं है, शीशा मेरा सेक्सी है, अलमीरा एसी भाई बहुत तगड़ा फ्रीजिंग कर रहा था और सबसे स्पेशल ये भाई साहब आई हैड अ टब और मैंने यहाँ पे भाई साहब कल रात जो बारिश के आनंद लिए हैं मतलब अभी मैं बारिश का आनंद ले रहा था। और ये था अपना यहाँ पे बॉम्बिंग एरिया। इतनी भूख लगी थी ना खतरनाक, मैं आपको बताना भूल गया कि भैया मैगी भी खाई थी हमने रात, ऐसी मस्त काठमांडू की स्पेशल मैगी मस्त। तो क्या अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में हमें मिला है अभी मिला क्या हमने मंगाया है जाहिर सी बात है ऑमलेट, ऑमलेट फ्रेंच फ्राइज जो कि मैडम्स ने खा लिया है और ये जो भी है। फाइनली ब्रेकफास्ट हुआ कंप्लीट क्योंकि हमने मंगाया था दूध सुबह सुबह पीने के लिए लेकिन उन्होंने भेजा नहीं है तो एक बड़ो वाली कॉफ़ी बनाई काली काली कॉफ़ी जो कि ऑलरेडी ख़त्म हो गई है। सॉरी आप लोग के लिए नहीं बचा पाए। अब जा रहे हैं यहाँ पे स्विमिंग पूल में। चलो यार दिन तो बड़ा सनी टनी सा हो गया है तो अभी हम आ गए हैं स्विमिंग पूल के पास लेकिन मैंने किया नाश्ता ऊपर से मैंने पी ली कॉफ़ी लगने वाले हैं मेरे मैं अंदर डूब ना जाऊँ ऊपर से मोटा पेट लेके जाऊँगा मैं अंदर मोटा पेट एब्स 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 कहते हैं उसको। लेकिन कितनी सुंदर जगह है अभी जिसमें मैं चार चांद लगा रही हूँ। ओह अभी तो सूरज लग रहे हैं यहाँ पे ना बारिश की वजह से पूरा गीला गीला हो गया है तो हमारी मैडम्स को ना यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि यार पूरा गीला है शिट हम तो स्विमिंग पूल में आए थे यहाँ पे गीला कैसे है। निंजा हथौड़ी है तैयार अपना चश्मा चश्मा लगा के लेट्स गो इनसाइड द पूल बेबी। ये बच्चा अकेले अकेले चला गया अंदर एक सेकंड को मुझे लगा था मैं खींच लगी स्विमिंग पूल में तबाही मचाने के बाद अभी हम जा रहे हैं वापस से स्कूटी राइड पे। ये देखिए भैया क्या चल रहा है मामला। तो खैर अभी हम जा रहे हैं साची के नेल्स कराने के लिए क्योंकि दो टूट गए हैं वो अब वुल्वरीन नहीं बन पा रही है इनकी जोड़ी जमी हुई है भैया सहेलियों की अनप्लैंड है ना सारी चीजें तो ये फुल ग्लैमर झाड़ा जा रहा है। तो कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग? खाना खाने जा रहे हैं सुबह से और नेल्स कराने जा रहे हैं। फॉलो कर दो तुम लोगों को चलो। तो चलिए सरकार चश्मा हमने पहन लिया है निकलते हैं अपनी इस स्कूटी में। ये क्या प्यारा सा कलर है भाई। हाँ कितना प्यारा लग रहा है ना ये सब कुछ खतरनाक भाई। मतलब फील वही है कि जैसे किसी गांव वगैरह में है जैसे कि ना मुंबई की बात करें तो बिल्कुल विरार जैसा वाइब देता है पूरा का पूरा।
विरार का ना एक बीच है, क्या तो है नाम मैं बता दूंगा, लिख दूंगा, मेरे को भी याद होता है उसका नाम। पूरा पूरा रास्ता वैसा का वैसा ही लग रहा है मुझे, फुल वाइब ब्रो। यार मेरे तो अलग एंगल, गंदे एंगल पे लगा हुआ है, ये मेरा फेवरेट प्रोफाइल नहीं है, लेकिन क्या करें, लेफ्ट हैंड से चला सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ। हमारी लड़कियाँ खड़ी होकर हमारा इंतजार कर रही हैं। क्या हुआ? पीछे लगे थे ना? अच्छा सांचुड़े, आराम से चलाओ, लेता हूँ वीडियो तुम्हारा। ये प्लेस तो बड़ा सही लग रहा है मुझे देखने में, मतलब वैसा होता ना जैसे जापान वगैरह के, वहां पे जाते तो ऐसे बैठ के खाते हैं, बहुत शांति सी वाला प्लेस है यार। बाहर बाहर नॉर्मल अच्छी से, तो कुल मिला के यहाँ पे अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसा लग रहा है जो गुरु वगैरह होते हैं ना उन सब के लिए यहाँ पे, जैसे कि ये रिजर्व रखी गई है चेयर इनके गुरु जी के लिए। पीनट बटर चाय भी है, अश्वगंधा तुलसी चाय, अश्वगंधा तुलसी चाय पीना चाहूँगी, ओट मिल्क वनीला एंड सिनेमन चाय, नहीं अश्वगंधा तुलसी चाय, अश्वगंधा तुलसी चाय। तो अगर कुछ भी बकलोली कर रहे हो, मेरा सिर्फ ये फर्ज है मैं ऐसा कर दूं, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, है ना, है ना। अरे तुम्हारे दीवाने थार, अरे वही लोग हैं, वही लोग थे जो रात में फॉलो कर, आई मीन तुम्हें फॉलो कर रहे थे थार वाले, वो जो बहुत रैश चला रहे थे, हाँ और वही लड़के थे, देखा मैंने अभी। सच्ची? चलो चीयर्स गाइस, एक बार और ऊपर पर चीयर्स, चीयर्स। ये तो अदरक ही अदरक लग रहा है, अदरक का रस है क्या? हाँ पूरा जिंजर डिटॉक्स काढ़ा टाइप ऑफ, बट ठंडा। मेरे अंदर तो टॉक्सिंस ही नहीं है, तो फिर क्या डिटॉक्स होगा? बेटर हो जाएगा ना और ज्यादा बेटर, और ग्लो करोगे विद ग्रो। तो ये जिंजर फलाना ढिगड़ा हमने पिया है अभी, जिंजर डिटॉक्स ड्रिंक, ओके, जिंजर लेमन हनी एंड इट इज सपोज्ड टू डिटॉक्स, इट इज अ वेलकम ड्रिंक एट देवांग जहां हम खाना खाने आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, cheers. अगर कोल्ड हो रहा होता, अगर वो गले में जो खिचखिच होती है, हाँ, मजा आ जाता सीरियसली ना, जैसे लास्ट वीक हो रहा था, तो अगर ये मिल जाता ना उस टाइम। या अच्छा, इस प्लेस की मैंने तारीफ तो कर दी, अब अगर हम यूनिकनेस की बात करें, अच्छा खासा बंदा ऊपर की तरफ बैठ सकता था, टेबल के पाँव ही काट दिए चेयर्स के, अब मेरे जैसा लंबा बंदा देखो कैसे बैठा है। ये तो भैया नशे किए जा रही है मैडम। भाई साहब ग्लैमर डाला गया है वीडियो के अंदर इस बार तो, निखिल मलिक के व्लॉग्स ऑन द टॉप, स्पेशली यहाँ पे ये देखिए। तो अभी यहाँ पे हमारी आई है ये ड्रिंक, और मैं पता नहीं माइक बार बार ड्रिंक के पास क्यों लेके जा रहा हूँ, मैं जब भी बोल रहा हूँ ये ड्रिंक, क्या ड्रिंक बोलेगी, ड्रिंक बोलेगी, बोलना चाहती हूँ जो भी मुझे पीने वाला है, अरे ये ड्रिंक बोल रही है, ये जो भी मुझे पीना चाहता है मुझे बन नहीं रहा, मुझे पेट में ले आ गया, अच्छे से पचाना। हाँ, मतलब ऐसा ही।
थैंक यू। ये हम इतने टैन लग रहे हैं ना इस टाइम। अच्छी बात है। कॉफी स्क्रब की जरूरत है, कॉफी स्क्रब की जरूरत है। आई रिपीट, कॉफी स्क्रब की जरूरत है। अच्छा, हम ना यहाँ पे खाने के लिए तो आ गए, लेकिन मैंने अभी एक चीज देखा, इनके प्राइजेस आलू का पराठा 440 रुपये। Let me show you. तो कुछ ऐसा सा है देवांग का मेन्यू, आलू पराठा, डिजर्ट, सैंडविचेस, टोस्ट, चिया जार्स, पैनकेक्स। और जो हमें बताए गए यहाँ पे जो इनकी बेस्ट सेलिंग है वो है खिचड़ी। सो अगर यहाँ पे कभी आगे जो कि हम भी करने वाले हैं, हमारी खिचड़ी आ गई, हमारी खिचड़ी आ गई। ये क्या है? वो टोस्ट। ओके, हमारी खिचड़ी यार कितनी अच्छी लग रही है। उन्होंने वो नहीं किया क्या? रख दिया नहीं है, फोटो खींच। अच्छा, ओ सॉरी, भूलना नहीं। फोटो खींचे जा रहे हैं खिचड़ी की, हम वीडियो लिए जा रहे हैं क्योंकि हम वीडियो वाले हैं, ये फोटो वाले हैं। मैं क्या हूँ फिर? मैं तो बेवजह, मैं कौन खाऊंगा? तो कौन खाऊंगा? विद मोर देन ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन फॉलोअर्स, इसको ये काम करना चाहिए। She is not doing it. Not interested actually. मैं सबसे ज़्यादा। Can you see that bite? Did you see that bite? It was a delicious bite. See the expressions. Moment को सिर्फ मैं जी रही हूँ यहाँ पर, ऐसे बस देखते हुए आप लोगों को वीडियो फोटोज लेते हुए। तुम्हारी मेमोरी है अच्छी, तुम अखरोट वखरोट खाती हो, हमारी मेमोरी क्रैश हो जाती है। मेरे पापा ने मुझे दूध में वो वाला क्या कहते हैं, बादाम वाला ऑयल पिलाया मिक्स करके। ये है राज। तो हमें तो अपनी मेमोरीज स्टोर करनी पड़ती है, देखेंगे याद है। अच्छा, वहाँ पे भी गए थे। गजनी आज खिचड़ी तो लिटरली अभी मैंने खिचड़ी ट्राई की, अच्छी है। अच्छी मुझे है। मुझे लगा नहीं था मतलब खिचड़ी कभी इस तरह से टेस्ट कर सकती है। बाबा पूरी नहीं खिचड़ी है। अरे देयर यू गो मैडम एलिजाबेथ। चाय चाय कौन सी? ओ सॉरी, क्या अश्वगंधा तुलसी चाय। थैंक यू। कैसे? अच्छा, दही है, दही चटनी और वगैरह वगैरह। चलो अभी हम एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद चाय के साथ। सो क्या खड़ी सीढ़ियां हैं ये नीचे उतरने के लिए। ऐसे भाई साहब, मैम थोड़ा सा आराम से। यहाँ पे तो फोटो शूट ही स्टार्ट हो गया। सो कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? मजा आया, मतलब जो हमने खाना खाया बेस्ट था। चाय कैसी थी? चाय ठीक थी, मतलब नहीं मैं बताऊँ क्योंकि मैंने यूजुअली अश्वगंधा लेता रहता हूँ, तो उसका फ्लेवर मुझे पता था। तुमने शायद पहली बार ये चीज चढ़ा चाय में, मैंने पहली बार लगा नहीं, मैंने चाय में पहली बार किया। चाय के अंदर स्पार्क होना चाहिए वो मुझे फील हुआ, तो इट वाज गुड। बाय द वे वाइब यहाँ की बहुत अच्छी है। देवांग यहाँ का जो बैठने का इलाका है, यहाँ पे तो मैं वीडियो भी बना सकता हूँ। पता है कौन सी वाली वीडियो? एक बार फिर से सफर की शुरुआत कर रहे हैं, खाना पीना हमने खा लिया है। मैं चिल्लाया इसलिए कि वो बड़बड़ करता जा रहा था साला। इन लोगों के फोटोशूट्स खत्म नहीं हो रहे यहाँ पे। बादो यार स्कूटी स्कूटी कितना प्यारी बाइक है। मैं बाइक की बात कर रहा था, वाइब की बात नहीं कर रहा। वाइब तो है ही, काफी नशीली सी वाइब है यहाँ पे, क्योंकि सब बेवड़े बेवड़े घूम रहे हैं हमारे आसपास और हम बेचारे यहाँ पे चाय पी रहे हैं छोटे छोटे बच्चों की तरह। दूध नहीं मिला ना, सुबह दूध ऑर्डर किया था हमने, नाश्ते में दूध ही ला के नहीं दिया हमें उन्होंने। भाई साहब कुछ तो पक रहा है, रेड रोज लिए जा रहे हैं, क्या मकसद हो सकता है? हमारी कोई गर्लफ्रेंड होती तो हमें भी रोज देती। किसके लिए लिया, क्यों लिया, किसके लिए लिया? बॉयफ्रेंड्स के लिए। क्या हुआ गाइस, क्या हुआ? राउंड लेने चलते हैं ऐसे ही। हाँ। चलो। हाँ लग तो सही रहा है। कहाँ? वो रहा क्लाउड में। यस। अरे ये। हाँ।
दौड़ता घोड़ा भाई साहब। तो कैसा लग रहा है आपको? सुनो, घोड़े का पिछवाड़ा चिंपैंजी और गोरिल्ला सूंघ रहा है। हाँ, उसका फेस इतना बड़ा। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये नहीं पता चल रहा बाबू। या हाँ जी, मेरे ख्याल से गोवा में घूमने का ना सबसे बेस्ट महीना कह सकते हो, सीजन कह सकते हो। मत बताओ प्लीज, भीड़ हो जाएगी। अरे उतनी बारिश भी नहीं है। मत बोलो, वैसे कायदे ठीक है। मत बोलो। सुनो भाई, ऐसे मौसम में मजा है, कीचड़ ही कीचड़ होती है, तुम बीच में नहीं जा सकते भाई। ना ना ना, क्लाउड्स में क्या रखा है, कैसे देख सकते हो? हाँ, आना शुरू हो जाएंगे वरना। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा। वो देखा चांद देगा। गली में आज सांड निकला।